की दहशत में जीने वाले लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे कोरोना मरीज और उनके परिजन अपनी स्वास्थ्य मजबूत करें, इस बात को लेकर शहर NSUI के अध्यक्ष कुणाल चौधरी और उनकी टीम घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से कई महत्वपूर्ण एक्सरसाइज टिप्स दे रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। नागपुर में कोरोना का प्रकोप अभी भी जारी है और कोरोना से कई लोग इस समय में अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, तो कोरोना से कई लोगों की मौतें भी हो चुकी है। आखिरकार इस कोरोना की रोकथाम होगी कैसी, ये एक सवाल अभी बना हुआ है। ऐसे में कुछ शहर के युवाओं का, कई ऐसे तज्ञ डॉक्टरों का ये मानना है कि यदि स्वस्थ सुंदर और मजबूत रहना है, कोरोना से दो हाथ करना है, तो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करना होगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग कोरोना से लेके जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, तब कई कामयाबी मिल सकती है और हम मजबूत रह सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ सकती है। आइए आखिरकार कैसे कोरोना से दो हाथ कर सकते हैं, कैसे हमारे स्वास्थ्य को मजबूत कर सकते हैं, ये तमाम बातें जानने के लिए हम सीधा रुख करना चाहेंगे। NSUI के नागपुर अध्यक्ष कुणाल चौधरी हमारे साथ में है, पूर्व नागपुर के, उनसे जानना चाहेंगे। कुणाल, ये बताइए कि जिस प्रकार से खतरा बढ़ा हुआ है, आप लोगों की संस्था की ओर से NSUI के माध्यम से एक पहल की गई है कि कोरोना की रोकथाम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करना है और बहुत मजबूत है, लेकिन किस प्रकार के लोग एक्सरसाइज करेंगे और कैसे आपसे जुड़ेंगे? नमस्कार, मैं कुणाल महादेवराव चौधरी, अध्यक्ष पूर्व नागपुर NSUI। कुछ दिन पहले हमने एक पहल शुरू की जिसमें हमने बताया है कि NSUI द्वारा हमें एक वेबिनार हमने लॉन्च किया है कि जिसमें योग, मेडिटेशन और प्राणायाम एक तज्ञ लोगों के द्वारा, ट्रेनर्स के द्वारा ये सिखाया जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नागपुर में देखिए या फिर महाराष्ट्र में देखिए, हर जगह कोरोना का प्रकोप जिस प्रकार से आ रहा है, उस प्रकार से लोगों में नकारात्मकता ज़्यादा आ रही है बीमारी से ज़्यादा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम, तो एक गांव में एक यमराज आए थे, तो यमराज को उन्होंने बोला कि मैं 50 लोग लेके जाऊंगा, लेकिन एक लड़के को पता चलने पर वो सबको बताता है और मौत होती है 500 लोगों की। तो उसका एक सारांश क्या है कि 50 को तो यमराज लेके गए, लेकिन बाकी 450 वो डर के कारण गए हैं। तो ये डर ख़त्म करने का काम, इम्यूनिटी मजबूत करने का काम और मानसिक स्थिरता का काम अगर कोई करता है तो योग, मेडिटेशन और प्राणायाम करता है। हमने सारे लोगों से अपील की है, हम एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग भी कर रहे हैं कि फ्री में लोगों ने ये हमारा 10 दिन का सेशन ज्वाइन करना चाहिए और कंटिन्यू योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करना चाहिए। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हम उसके 10 दिन के आगे भी लेके जाएंगे। बस आपसे इतनी दरखास्त है, नागरिकों से इतनी विनंती है कि आप वेबिनार ज्वाइन करिए, अपने लिए ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, कौन सी लिंक, कैसा कोऑर्डिनेट, कैसा करोगे? वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आप, मैं अपना नंबर यहाँ पे बताता हूँ, 8149595280। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा और इस लिंक के द्वारा आप हमारा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। इस नकारात्मकता भरे माहौल में NSUI द्वारा एक सकारात्मक कदम हमारे द्वारा लिया गया है। मैं कुणाल चौधरी और मेरे पार्टनर सहयोगी चेतन मिश्राम, हम आयोजक हैं और हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सीनियर्स, आदरणीय एडवोकेट अभिजीत जी वंजारी सर, इरशाद अली साहब, NSUI के अध्यक्ष आशीष दादा मनपे, प्रदेश अध्यक्ष आमिर दादा शेख, आमिर दादा नूरी, प्रतीक दादा कोल्ले, नागेश दादा गिरहे, ये जितने भी NSUI के सीनियर्स हैं, इन सभी के फैसलों से और इन सभी के मार्गदर्शन से हमने ये वेबिनार हमने स्टार्ट किया है। ये फिर से मैं आपसे एक बार एक और दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप कृपया करके ये वेबिनार ज्वाइन करिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छे रखिए, सकारात्मकता भरे माहौल क्रिएट करिए और सकारात्मकता को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। बिल्कुल, सकारात्मकता को आगे बढ़ाइए, ऐसा इनका मानना है। शेट्टी हमारे साथ में, शेट्टी जी आप क्या कहोगे? बस, मेरा नाम सचिन शेट्टी है, एज ए नाइट रिचुअल एक्सपर्ट हूँ मैं। रात को सोने से पहले माइंड का प्रोग्रामिंग किस तरीके से करना, सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ, सिखाता हूँ। काफ़ी लोगों के लाइफ में हमने इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, तो उसके पीछे का जो वजह यही है कि लोगों के अंदर में जिस तरीके से कुणाल जी ने बोला, स्पेशली यानी वो तो काफ़ी हद तक यानी इस लेवल तक यानी मेहनत कर रहे हैं और इस लेवल तक यानी एफर्ट डाल रहे हैं लोगों को एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने को लेके। स्पेशली आज जो मैंने आप जो न्यूज़ देख रहे हो, स्पेशली ने BCN, ये जिस तरीके से जो एक्टिविटी स्टेप उठा रहे, स्पेशली यानी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने को लेके, मैं तो दिल से चाहूँगा कि यानी सभी लोग इस कार्यक्रम को ज्वाइन करिए। यहाँ पे यानी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जिस तरीके से योग हो गया, मेडिटेशन हो गया, साथ में माइंड का कैसे प्रोग्रामिंग करना, आप यानी आपके माइंड को कैसे यानी स्थिर तरीके से रख सकते हो और साथ में आप अपने माइंड से अपने बॉडी को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका माइंड स्थिर है तो आपका बॉडी भी सही रहेगा। जिस तरीके से हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे यानी एथलीट होते हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, सब लोग विद इन अ सेकेंड में, विद इन अ मिनट में अपने लाइफ में अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है उनका माइंड।
तो माइंड का सही प्रोग्रामिंग करना जरूरी है और सही समय पर करना इसलिए जरूरी है उसके लिए। जैसे रात को सोने से पहले आप इन्हें कुछ अफर्मेशन से खुद के लिए दोहरा सकते हो कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। इस तरीके के शब्दों का आपको इन्हें प्रयोग करना चाहिए रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में, क्योंकि रात को सोने के बाद में हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय रहता है। आप जो भी उसमें माइंड में डालते हो तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली प्रोसेस करता है, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है हम हमारे अवचेतन मन पर ध्यान रखें और काम करें। ओके, तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ये एनुसा द्वारा ये काफ़ी अच्छा कामकाज किया जा रहा है और ये स्क्रीन पर इस समय में जो नंबर आ रहा है उस पर संपर्क कीजिए, स्वस्थ रहे, खुश रहिए और कोरोना को दूर भगाइए। कैमरा पर्सन मीनाज खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।